Hey, what is up guys? Keso, so welcome back to another new video. मेरा नाम है अंशन, आप देख रहे हैं अनसुनी आर्ट्स। सो भाई, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ऐसे टूल के बारे में जो आपके स्केचेस को यहाँ से यहाँ पर ले जा सकता है। एंड भाई, ये जो टूल है ना, आप में से काफ़ी सारे लोग यूज़ करते हो एंड भाई, आप इसको बाय करने में काफ़ी ज़्यादा गलती करते हो। सो हाँ, आज की वीडियो में हम लोग उसी के बारे में बात करने वाले हैं। एंड ऑब्वियसली आपको पता चल ही गया होगा आज की वीडियो किस बारे में। आज की वीडियो है इन ब्लेंडिंग ब्रशेज़ के बारे में। जितने मेरे पास ब्लेंडिंग ब्रशेज़ हैं, ये कुछ 10 ब्लेंडिंग ब्रशेज़ हैं मेरे पास। सो हमें गिने तो नहीं है, अंदाज़ा बता रहा हूँ, 10 तो होंगे ऑब्वियसली। सो हाँ, ये कुछ ब्लेंडिंग ब्रशेज़ हैं जिनका मैं यूज़ करता हूँ अपने स्केचेस में, जो कि पहले भी करता था। अब भाई, उनको भी मैंने थोड़े बहुत तो छोड़ दिए, यूज़ कर रहा हूँ उनको। एंड कुछ नए जो है मैं उनके बारे में बताऊँगा। सो चलो भाई, इस वीडियो को चालू करते हैं, बताता हूँ मेकअप ब्रशेज़ के बारे में। सो चलो चले। एंड भाई, मेकअप ब्रशेज़ का मतलब ये नहीं वो मेकअप करने वाले ब्रशेज़, ये ब्रशेज़ यूज़ होते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी ड्राइंग में ब्लेंड करने के लिए ग्रेफाइट या चारकोल को। सो हाँ, जल्दी से चालू करता हूँ आपको बताना। सो चलो चले। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको, व्हेन आई वाज अ बिगनर, आई यूज्ड टू बी अ बिगनर, तब मैं कौन से ब्लेंडिंग ब्रशेज यूज़ करता था। एंड भाई, उस समय मैंने काफ़ी सारे गलतियाँ की हैं ब्लेंडिंग ब्रशेज चूज़ करने में, यूज़ करने में, एंड या उनके साथ काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए। सो चलो आपको बताना चालू करता हूँ। तो सबसे पहले, मैं जब एक बिगनर था, एंड आप में से काफ़ी सारे लोग, जब मैं बोलूँगा ब्लेंडिंग ब्रशेज, मेकअप ब्रशेज, आप लोग जाओगे कोई आर्ट स्टेशनरी शॉप पर, बिकॉज आप ऑब्वियसली आर्ट वीडियो देख रहे हो। सो आप उनके पास जाओगे एंड कहोगे, भाई मेरे को मेकअप ब्रशेज दे दो, मेकअप ब्रशेज दे दो। वो तो भाई आपको कोई फ्लैट ब्रश या कोई जैसे होता है वाटर कलर ब्रश आपको पकड़ा देंगे, आपके हाथ में थमा देंगे, पैसे आपसे अलग ले लेंगे। सो भाई, वो चीज़ आपको नहीं करनी है। पहली बात, ब्लेंडिंग ब्रशेज जो होते हैं, मेकअप ब्रशेज, वो नहीं मिलते हैं कोई आर्ट स्टेशनरी शॉप पे, वो मिलते हैं आपको कॉस्मेटिक शॉप पे, मेकअप शॉप्स होती हैं। सो भाई, मम्मी के पास हो तो मम्मी से ले लेना, बहन के पास हो तो बहन से चुरा लेना। सो चलो हाँ, ये जो ब्रशेज थे मैं पहले बाय कर चुका हूँ, दिखाता हूँ उस समय मैंने गलती करके कौन से ब्रशेज बाय कर लिए थे। सबसे पहले मैंने बाय किया था ये वाला ब्रश, जो कि एक वाटर कलर ब्रश होता है। ये मैंने बोला भाई ये ब्लेंडिंग ब्रश है, तो पहले तो ये दे दिया, फिर हाँ भाई मैंने ले भी लिया इसको। एंड फिर उसके बाद मैंने बाय किया नेक्स्ट ब्रश जो होते हैं वो कुछ ऐसे फ्लैट ब्रश, चेक करो ये वाले जो है, इनके ब्रशेस सामने से फ्लैट होती हैं ऐसे करके कुछ। सो हाँ, फिर मैंने ये बाय किए एंड इसको भी लेके मैंने काफ़ी ज़्यादा बड़ी गलती कर दी, बिकॉज भाई एक तो इनकी ब्रशेस काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती हैं एंड भाई ये यूज़ होते हैं वाटर कलर्स में। सो हाँ भाई, इनकी ब्रशेस हार्ड थी तो अच्छे से मेरा ब्लेंड भी नहीं होता था स्केच। एंड देन मैंने उसके बाद ये सब कुछ लेने के बाद, ये तीन ब्रशेज लेने के बाद, लिए थे कुछ नेक्स्ट अच्छे वाले ब्रशेज थोड़े से। फिर उसके बाद मेरे थोड़ी सी कोचिंग्स ली थी यूट्यूब से, सीखा था, तब मेरे को और अच्छे से पता चला। फिर मैंने बाय किए ये कुछ ब्रशेस, एक तो ये राउंड ब्रश जो मतलब मोटे वाले होते हैं आगे से ब्रशल वाले, जिससे मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ब्लेंडिंग हो जाती है लार्जर एरियाज में। भाई काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है यार, बहुत गुदगुदी सी हो रही है। एंड दूसरा मैंने बाय किया था एक ये वाला ब्रश, जो कि ज़्यादातर आर्टिस्ट यूज़ करते हैं मेकअप ब्रशेज में। बट एक चीज़ और, इसकी ब्रिसल्स काफ़ी ज़्यादा हार्ड थी, ये जो छोटा वाला है ना, इसकी ब्रिसल्स काफ़ी ज़्यादा हार्ड थी। ब्लेंडिंग तो काफ़ी अच्छे से हो जाती थी, फिर भी मेरे को उतना अच्छे से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता था इससे ब्लेंड करने में। सो हाँ, फिर उसके बाद ये था एक ब्रश, ये था एंड एक भाई जिसके आगे स्पॉन्ज लगाता है वो वाला ब्रश था, एंड एक और था छोटा वाला जो होता है, वो मेरे पास है नहीं, खो दिया मैंने स्पॉन्ज वाला, भाई उसी दिन टूट गया था मैं जब उसको टेस्ट कर रहा था। सो हाँ भाई, यही सारा सीन हो गया था उस दिन तो। सो हाँ भाई, यही सीन है। सो भाई, मैंने ऐसे पूरा सेट बाय किया था, वैसे तो आपको अमेजोन पर मिल जाएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसका, फ्लिपकार्ट का भी दे दूंगा, बट हाँ ये वाले ब्रश मैंने उस समय बाय किए थे। सो भाई, ये भी लेना मेरी काफ़ी ज़्यादा गलती थी, मतलब अच्छे थे बट हाँ मेरे को उतना अच्छे से सेटिस्फैक्शन नहीं मिला था इस वाले ब्रश। तो ये वाला ब्रश तो भाई मेरा फेवरेट है। एंड फिर नेक्स्टली मैंने बाय किए थे कुछ ये दो ब्रशेस। सो मैं आपको दिखाता हूँ, ये कोई कंपनी के हैं, मेरे को याद नहीं इनकी कंपनी, बिकॉज यहाँ पे मिट गए हैं, यहाँ से लिखे हुए थे मिट गए हैं वो। सो हाँ, ये है एक राउंड टिप ब्रश, जिसको मैं ऐसे रोटेट कर करके ब्लेंडिंग करता हूँ ऐसे करके। सो हाँ, ये एक राउंड टिप ब्रश है। एंड साथ में अपने पास ये एक फ्लैट ब्रश, जिसको मैं ब्लेंडिंग के लिए यूज़ करता हूँ आजकल। एंड इनकी ब्रशेज बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, एंड ये मैं यूज़ करता हूँ ग्रेफाइट के लिए। एंड ये वाला जो मैंने आपको पहले दिखाया था, ये मैं यूज़ करता हूँ सिर्फ और सिर्फ चारकोल के लिए, बिकॉज चारकोल में इतना ज़्यादा काम नहीं करता, एंड बस इसको चारकोल के लिए यूज़ करते हैं मेन। तो भाई ये दोनों ब्रशेज जो कि मैं ग्रेफाइट के लिए यूज़ करता हूँ। सो हाँ, कभी अपने चारकोल और ग्रेफाइट को मिक्स ना करना, अलग अलग रखना, वरना मेरी तरह बहुत सारे स्केचेस डिस्ट्रॉय कर दोगे। मैंने काफ़ी सारी मिस्टेक्स कर रखी है पहले पास में अपने। सो हाँ, ये वाले ब्रशेज अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ, एंड दीज आर दी बेस्ट ब्रशेज आई फाउंड। बट इसका एक का प्राइस ही 150 या समथिंग था। सो मैंने दो लिए थे तो मान लो भाई 300 तक प्राइस चला गया था, है ना। सो हाँ, ये ब्रशेज इतने एक्सपेंसिव है, एंड भाई 150 में मेरे को ये पूरा सेट मिल गया था, नहीं 150 से कम ही मिल गया था, चार ब्रशेज का सेट जो था। इतने ही मैंने आपको ब्रशेज, ये इतने सारे दिखाए हैं, 4-10 ब्रशेज उतने भी आपको दिखाया मैंने, 10-15 ब्रशेज। सो भाई, जल्दी से इनको हम लोग टेस्ट आउट करते हैं एक पेपर पे। सो भाई, मैं एक पेपर उठाता हूँ एंड उससे भाई मैं शेडिंग करता हूँ, एंड फिर उसके बाद इनको ब्लेंड करेंगे। सो चलो भाई करते।
सो गाइज ये रहा अपना पेपर जिस पे हम लोग अभी फिलहाल ड्रॉ करने वाले हैं, एंड मैं यूज़ कर रहा हूँ अपनी टॉम्बो की HB ग्रेड की पेंसिल, जो कि भाई बहुत ज़्यादा डार्क होती है। सो चलो भाई इससे शेड करते हैं, एंड अपने जो ये सारे ब्रशेज हैं इनको हम लोग करने वाले अभी टेस्ट आउट। सो चलो चालू करते हैं इनसे शेड करना। तो गाइज अभी फिलहाल जो पेंसिल थी मैंने चला दी है। अगर एक और बात, अगर आप भाई अच्छे से पेंसिल का यूज़ करके अच्छे से शेड करोगे, सो आप भाई आपको ब्लेंडिंग की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर भाई एक बिगिनर हो ना, सो अपनी शेडिंग पे फोकस करना, ब्लेंडिंग टूल्स को इतना ज़्यादा मैटर ना देना। सो फिर भी मैं अभी आपको टेस्ट करके दिखा रहा हूँ। सो सबसे पहले हम लोग यूज़ करने वाले हैं अपना लेटेस्ट वाला ब्रश, जो कि हम लोग अपनी ड्राइंग्स में यूज़ कर रहे हैं, ये वाला। तो चलो भाई इसके शेड इससे ब्लेंड करके देखते हैं। हम लोग शेड तो कर दिए, अभी ब्लेंड करके देखते हैं। सो ब्रो इससे हम लोगों ने ब्लेंड तो कर दिया, एंड भाई काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हुआ है। एंड जो ये स्पॉट्स पड़े हैं ना, मैं ज़्यादातर इस फ्लैट वाले ब्रश को हम लोग यूज़ करते हैं भाई, तो मैं ग्रेफाइट पाउडर के साथ। सो हाँ, इसलिए भाई इससे स्पॉट पड़ गए, ये देखो इसमें अभी भी ग्रेफाइट है काफ़ी सारा, बिकॉज अभी जो रिसेंट हेयर्स बनाया था ना, उससे हेयर्स में ब्लेंड किया था इससे मैंने। सो हाँ इसलिए, बट भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्मूथ शेडिंग मिली हम लोगों को इससे। अभी मैं यूज़ करता हूँ अपना राउंड टिप ब्रश, जो कि मैं यूज़ करता हूँ स्किन टोन्स को ब्लेंड करने के लिए, स्किन को ब्लेंड करने के लिए अपने स्केचेस में। सो ब्रो ये भी चेक करो इससे कितना अच्छे से ब्लेंड हुआ है, यहाँ पे एकदम स्मूथली ब्लेंड हुआ है। सो भाई ये जो ब्रशेज़ है ना, मैंने बाय करके काफ़ी ज़्यादा बढ़िया डिसीजन लिया है, बिकॉज एक तो मतलब एक्सपेंसिव तो ऑब्वियसली है ही है, बट हाँ भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया ब्रशेज़ हैं। सो अभी हम लोग ट्राई करने वाले हैं ये वाला ब्रश, जो कि हम पहले यूज़ कर रहे थे अपने स्केचेज़ में। सो चलो भाई ट्राई आउट करते हैं इसको। ब्लेंडिंग तो ब्रो इससे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो रही है देखा जाए तो। सो गाइस जैसा कि देख सकते हो, ब्लेंडिंग तो भाई इससे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हुई है। मतलब मैंने कहा था ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा ब्रश है, बट मैं इससे इतना ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं था, क्योंकि इसमें इतना अच्छे से फील नहीं आता था। एंड भाई इसकी जो ग्रिप थी ना, काफ़ी ज़्यादा छोटी थी। एक तो यहाँ पर प्लास्टिक लगा हुआ था, हार्ड प्लास्टिक, एंड पीछे ये भी प्लास्टिक का था। सो इतनी ज़्यादा बढ़िया फील नहीं आती थी, बट ये वाला जो है इसमें सामने मेटल है, मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रीमियम फील आती है इससे। बट हाँ, बट अगर आप बजट में लेना चाहते हो तो भाई ये वाला जो बेस्ट है। तो भाई अभी यूज़ करते हैं ये वाला ब्रश, जो कि भाई मैं यूज़ करता था ब्लेंडिंग के लिए, पेंटिंग ब्रश है ये एक। तो चलो भाई इसे ब्लेंड करके दिखाई देते हैं आज आपको। सो भाई इससे जैसा देख सकते हो, ज़रा भी ब्लेंड नहीं हो रहा है, देख रहे हो ना, मतलब इसकी इतनी हार्ड ब्रिसल्स हैं, इससे ज़रा भी ब्लेंड नहीं हो रहा। इसलिए भाई मेरे पहले के जो स्केचेस थे ना, इतने ज़्यादा अच्छे नहीं बनते थे मेरे से। भाई देख लो, ज़रा भी ब्लेंड नहीं हो रहा है इससे। मैं ट्राई कर रहा हूँ ब्लेंड करने का, अगर मैं इसे ज़्यादा पुश हार्ड करूँगा तो भाई फिर भी इससे इतना अच्छे से ब्लेंड नहीं हो रहा। देखो ब्रेसेस इसकी फैल जा रही हैं, इससे इतना अच्छे से ब्लेंड नहीं हो रहा है। तो भाई ये वाला ब्रश तो कभी बाय ना करना। एंड भाई इसके साथ ही साथ आपको एक बार ये वाला भी दिखा देते हैं, इससे भी करने का ट्राई करूँगा तो भी ब्लेंड नहीं होगा ज़रा भी। फुल प्रेशर का अप्लाई करूँगा तो भाई बिल्कुल भी नहीं होने वाला फिर तो। सो भाई ये वाले जो तीन ब्रशेज़ हैं ना, इनको तो भाई फेंक ही दो, इनको कभी यूज़ मत करना ब्लेंडिंग के लिए अपने स्केचेज़ में। एंड अभी हम लोग ट्राई करने वाले हैं ये बड़ा वाला जो मेकअप ब्रश होता है ना एकदम, ये वाला भी हम लोग ट्राई करने वाले हैं। सो चलो भाई जल्दी से इसको ट्राई करके दिखाता हूँ आपको इधर। सो इसको हम लोग ऐसे करके करते हैं यूज़। रुको, अगर आप इसको ज़्यादा प्रेशर लगा के करोगे ना, सो भाई ये फैल जाता है ऐसे इसकी ब्रिसल्स। सो भाई उससे भाई इसकी ब्रिसल्स होती है डैमेज होने का रहता है। बट हाँ, इसको आप उधर यूज़ कर सकते हो, जैसे आप डार्क एरियाज़ कर रहे हो ग्रेफाइट पाउडर के साथ यूज़ कर सकते हो। एंड साथ ही साथ आप इसमें लाइट एरियाज़ कर रहे हो, अगर 2H वाले 2H का यूज़ करके, HB का यूज़ करके, अगर आप इससे शेड करके उसके ऊपर ब्लेंड कर रहे हो, तो भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड होता है। सो भाई अभी फिलहाल ब्लेंडिंग चेक करो, ये वाली जो ब्लेंडिंग हुई है ये हुई है इससे, जिससे मैं अभी अपनी ग्रेफाइट पाउडर यूज़ करता हूँ, तो भाई इससे थोड़ी सी बेकार हो गई बिकॉज इस पर ग्रेफाइट पाउडर ऑलरेडी लगा हुआ था, देखो अभी भी लगा हुआ है। सो हाँ, उसके बाद मैंने यूज़ किया ये वाला जिससे मैं स्किन टोन्स ब्लेंड करता हूँ, एंड इससे देखो कितनी मस्त स्मूथ ब्लेंडिंग आई एकदम। एंड उसके बाद यूज़ किया मैंने अपना ये चारकोल जिससे मैं ब्लेंड करता था पहले, एंड इसका मैं पहले यूज़ करता था। सो भाई इससे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी ब्लेंडिंग आई है हम लोगों की। एंड देन मैंने यूज़ किया ये मोटा वाला ब्रश, जिसको मैंने यूज़ करके यहाँ पे ब्लेंड किया ऐसे ऐसे करके, एंड देखा जाए तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी ब्लेंडिंग हमको देखने के लिए मिली है। बट सबसे वर्स्ट देखने के लिए मिली है हम लोगों को इसमें, बिकॉज हम लोगों ने शेड किया था एक HB पेंसिल से, एंड भाई उससे उसके बाद ब्लेंड किया हम लोगों ने ये वाले ब्रशेज से। सो गाइज हाँ, मैंने आपको जैसा दिखा दिया, आप लोगों को बाय करने हैं ये मेकअप ब्रशेज, जो कि आप कोई भी कॉस्मेटिक शॉप से जाके बोल सकते हो भैया मेरे को मेकअप ब्रशेज दे दो, वो आपको दे देंगे। चीप चाहिए एक्सपेंसिव चाहिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बता देना उनको। एंड अगर आप आर्ट स्टेशनरी शॉप पर बाय करने जाओगे मेकअप ब्रशेज, तो भाई आपको ऐसे ब्रशेज देंगे जो कि वाटर कलर ब्रशेज होते हैं,
सो भाई आपको स्टेशनरी शॉप पे तो बिल्कुल नहीं जाना, जाना तो जाना सिर्फ कॉस्मेटिक और मेकअप शॉप पे बाय करने के लिए ब्लेंडिंग ब्रशेस। जो ब्रिसल्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, सिंथेटिक होता है ना, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है ये, बिकॉज ये फेस में मेकअप करने के लिए यूज़ होता है। सो भाई काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, सो हाँ आई एम नॉट गोना रिकमेंड दीज टू बाय, इनको तो भाई फेक ही हो एकदम। एंड भाई आप बस यही वाले बाय करना बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। सो हाँ भाई आई होप आपको ये रिव्यू वीडियो, छोटी सी रिव्यू वीडियो पसंद आई होगी। एंड या इतने तक इस वीडियो में, एंड भाई मेरे टेस्ट भी चालू होने वाले हैं 1 तारीख से, एंड आज है 26, सो भाई हाँ अगले महीने से मेरे टेस्ट भी चालू है। सो भाई रैंडम वीडियोस पोस्ट होंगी, आई डोंट थिंक सो मैं ब्लॉग में भी थोड़ा कंटिन्यू रह पाऊंगा, कोशिश तो मैं अपनी पूरी करूंगा। सो भाई देखते हैं। सो गाइस इतना ही था इसके इस वीडियो में, आई होप आपको एक छोटा सा कंपैरिजन पसंद आया होगा। सो हाँ ब्रो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना, एंड साथ ही साथ मेरे को फॉलो कर लेना मेरे सोशल मीडियाज पे इंस्टा एंड फेसबुक। सो या इतना ही था इसके इस ब्लॉग में, आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो क्या करना लाइक शेयर कॉमेंट सब्सक्राइब। इतना ही था इस वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।